गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक अच्छा सा वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। आप लोग शिक्षक के महत्व को कितना समझते हैं और कितना जानते हैं, आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शिक्षक के बारे में बता रहा हूँ। आइए शिक्षक का मतलब समझे। शिक्षक सहर्षिक सी छ क, सी छ क, ये तीन अक्षरों से बना हुआ है। सी 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 इसका मतलब होता है शिखर पर ले जाने वाला, छ मतलब क्षमा करने वाला, क मतलब कमजोर बच्चों को दूर करने वाला, कमजोरी बच्चों के अंदर जो कमजोरी होता है पढ़ाई के प्रति उसको दूर करने वाला, शिखर पर ले जाने वाला, क्षमा करने वाला, कमजोरी को या कमजोर बच्चों को पढ़ाई में दूर करने वाला, वैसे व्यक्ति को हम शिक्षक कहते हैं। ये है शिक्षक की परिभाषा। आइए कुछ कविता के रूप में समझें। किसी ने ठीक ही कहा है, वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है, माता पिता के बाद शिक्षक को ही गुरु माना जाता है। जी, पहला गुरु माता और पिता, और दूसरा गुरु आपके शिक्षक। माता पिता ने दिया प्यार, जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में अपने शिक्षक का हूं मैं शुक्रगुजार। ठीक है, अब आइए शिक्षक के ऊपर एक कविता मैंने लिखा है, इसको सुनिए ध्यान से। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त होना है और खूबसूरत दिमाग वाले लोगों से भरना है, तो समाज में तीन ऐसा कर सकते हैं, कौन वे हैं? पिता, माता और अध्यापक। गुरुजनों के ज्ञान, प्रेरणा और प्रयत्नों से व्यक्ति अपने जीवन संघर्षों में लड़ने योग्य बनाता है। गुरु जो है आगे बढ़ाने में हम लोगों को कितना मदद करता है, इस कविता के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया। कितनी अच्छी बात है, शिक्षा शिखर पर ले जाने वाला, क्षमा करने वाला, कमजोरी को दूर करने वाला, ये है शिक्षक। आप लोग शिक्षक के महत्व को समझिए। शिक्षक जब पढ़ाते हैं, कोई बात समझाते हैं, तो उनके बातों को समझिए, क्योंकि शिक्षक ही है और वो आगे ले जा सकते हैं। शिक्षक यदि नहीं चाहे तो आपको ज्यों का त्यों छोड़ सकते हैं। इसलिए शिक्षकों का हमेशा महत्व देना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और कहने का मतलब उनके बताए हुए बातों को जीवन में ग्रहण करना चाहिए। ये था शिक्षक का महत्व। बेस्ट ऑफ लक।